सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और बहुजन समाज के लोगों को इस देश में यही उपलब्ध नहीं है। और आज जो वर्तमान सरकार है, ये आपके केवल इसी अधिकार को नहीं, आपका कोई भी अधिकार उसे देना नहीं चाहती, आपके हर अधिकार को छीन लेना चाहती है। और आपके इस अधिकार को छीनने में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, तो हमारे ही समाज के वो राजनीतिज्ञ हैं जो सांसद बनकर, विधायक बनकर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में बैठे हैं। 131 एमपी हैं लोकसभा में एससी और एसटी के, और ओबीसी सारे मिला के तकरीबन 250 के आसपास, एससी एसटी और ओबीसी के 250 के आसपास सांसद हैं। ये जिस दिन चाहे, जिस पल चाहे, मोदी घुटनों पर आ जाएगा। आज से पिछले साल भी पैगाम का एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने 5 मिनट का टाइम मिला था, मैंने 2 मिनट का ही अपना भाषण दिया था। आज भी मैं वही काम करने वाला हूं। मैं आप सबके माध्यम से पैगाम जैसे संगठन को एक निवेदन करना चाहता हूं। 2 पॉइंट प्रोग्राम बनाए हम, जैसे हजारों साल बायकॉट होता रहा है, वो पे बैक टाइम आ गया है। एक तो वोट देने में कम से कम मनुवादी मानसिकता के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी से, जो मनुवादी मानसिकता की पार्टी से आया है, उसको वोट ना दें। पहला पॉइंट मेरा ये है। अभी जो हालात है ना, टाइम कम है, कम टाइम में ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो फायदेमंद हो, जिससे फर्क पड़ता हो, जिससे असर हो। तो एक गुजारिश तो पहली मेरी ये है, आप लोग सब समझदार हैं, हम सब ने एक दूसरे का ज्ञान बराबर बराबर बांट लिया है, सब समझदार हो गए। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर मनुवादी मानसिकता का होने का शक भी हो जाए, तो ना उसको वोट दें, ना और किसी को देने दें, पहला काम। दूसरा, लिस्ट बनाए, लिस्ट, बाबा साहब का जो भी सिपाही है वो लिस्ट बनाए कि मैं जेल जाने के लिए कब, कहां और कैसे आऊं। जिस दिन हमारे इस लिस्ट में, और ये जेन्युइन दिल से लिस्ट होनी चाहिए, कहने के लिए नहीं, जिस दिन हमारी इस लिस्ट में 10 लाख लोग क्रॉस हो गए, उस दिन आप जो, जिस भी सरकार से, चाहे मोहन भागवत जी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए, जिस सरकार से जो कहोगे आप, वो आपको मिल जाएगा। 10 लाख लोग जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार, परेशान चाहिए कि मैं जेल कैसे जाऊं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। ये लिस्ट बनाने की कोशिश किया जाए, ये लिस्ट तैयार की जाए, उसमें मेरा भी नाम लिखा जाए, जिस भी नंबर पे आता हो, 1 से लेकर 10 लाख तक। यही सबसे बड़ा टेस्ट है, यही मेरी गुजारिश है। ये दो काम हमने कर लिए तो हमें ये जलसे जलूस इतने करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने 4-5 मुद्दे तय करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।